देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको विधानसभा से दिखा रहे हैं, मॉनसून सत्र का क्योंकि तीसरा दिन है और प्राइवेट मेंबर्स डे भी आज है। हालांकि 4 संकल्प लाए जा रहे हैं, बिल्कुल बारीकी से आप तक अपडेट पहुंचाने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जो अहम सवाल आज के रहने वाले हैं, इसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को लेकर भी सवाल पूछा गया है, हायर एजुकेशन को लेकर भी सवाल पूछा गया है, खासतौर पर शिक्षा विभाग में जो भर्तियां हो रही हैं उस पर एक दफा फिर मसला गरमा सकता है। फिलहाल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को लेकर सवाल जो पूछा गया है उस पर हलचल इस वजह से भी बढ़ सकती है, हाल ही में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर खराब शराब या जहरीली शराब बेची जाती है या कोई भी उसमें ऐसी गुणवत्ता पाई जाती है जो कि ठीक नहीं होगी किसी की सेहत के लिए, तो तुरंत प्रभाव से आरोपियों की पूरी प्रॉपर्टी यहां पर जब्त कर दी जाएगी। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में कुछ नए नियम अब यहां शामिल किए जाएंगे, तो इस पर भी सवाल पूछा गया है। साथ ही साथ भर्तियों को लेकर हालांकि पहले ही राज्य सरकार की ओर से ब्यौरा दे दिया गया है कि तकरीबन लोक सेवा आयोग के माध्यम से 885 के करीब पद भर दिए गए हैं और विभिन्न पद ऐसे हैं जो कि अभी भरे भी जा रहे हैं, ये 132 के करीब है। 5 पोस्ट कोड्स में कुल मिलाकर ये 132 पद पूरे होते हैं और ये भी जानकारी दी गई है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले इन पदों को भर दिया जाएगा और संबंधित विभागों को रेकमेंडेशन भी भेज दी जाएगी। लेकिन एक दफा फिर भर्तियों का मसला गूंजा है, आज इस पर हमें हलचल नजर आ सकती है। हालांकि प्राइवेट मेंबर डे है तो आसार कम ही रहते हैं कि कोई हंगामा बरप सके। चीफ रिपोर्टर शकील कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल में। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज प्राइवेट मेंबर डे है और आपको क्या लग रहा है किन मसलों को लेकर ज्यादा हलचल आज हो सकती है? कि आज तीसरा दिन है मॉनसून सेशन का और आज प्राइवेट मेंबर डे भी है और प्राइवेट मेंबर डे में अमूमन यही रहता है कि जो विधायक हैं वो अपने अपने संकल्प यहां पर पेश करते हैं, तो भाजपा के कुछ एक विधायकों द्वारा जो है वो 4 संकल्प आज सदन में लगाए गए हैं। उन पर हालांकि सभी जो विकल्प संकल्प हैं उन पर जो है वो चर्चा नहीं होगी, लेकिन एक या दो पर जो है वो चर्चा हो सकती है। तो विधायक जेआर कटवाल के भी यहाँ पर 2 संकल्प लाए गए हैं, उनके अलावा भी कई विधायकों ने जो है वो अपने संकल्प पेश किए हैं और उन पर चर्चा होती है। तो ये जो प्राइवेट मेंबर डे है इसकी एक अलग महत्ता जो है वो विधानसभा में रहती है, क्योंकि विधानसभा में जितने भी विधायक हैं वो इस पे अपने संकल्प रख सकते हैं, अपनी बात उस पर रख सकते हैं और कोई ऐसा बड़ा मुद्दा होता है जो प्रदेश हित से जुड़ा होता है, प्रदेश की आर्थिकी से जुड़ा होता है, तो ऐसे मुद्दों को जो है वो विधायक इन संकल्पों में प्राइवेट मेंबर डे पर उठाते हैं और उन पर चर्चा होती है। अगर वो संकल्प पारित हो जाता है तो उसे आगे भेजा जाता है, उस पर कार्रवाई होती है और अन्यथा वैसे जो है वो ज़्यादातर ऐसे संकल्प होते हैं जिन पर सरकार जो है वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का जो है वो आश्वासन देती है और उस पर जो है वो काम किया जाता है, तो जो भी काम उस पर हुए होते हैं संकल्पों पर उसकी भी चर्चा जो है यहाँ पर होती है। और आज के दिन क्योंकि ज़्यादा कार्रवाई नहीं होगी तो इसलिए हंगामा कोई ज़्यादा लगता नहीं है कि ऐसा देखने को मिलेगा। हालांकि ये हो सकता है कि जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में किस तरह के सवाल जो उठते हैं उसमें कोई तीखे सवाल होंगे उन पर जरूर जो है वो हंगामा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए बीबीएमवी और पर्यावरण को लेकर फिलहाल ये संकल्प लाए गए हैं, लाजमी सी बात है भर्तियों का मसला हर बार गूंजता है, फिर चाहे बजट सत्र की बात करें मॉनसून सत्र की बात करें। हालांकि देखिए सर, सरकार ने ब्यौरा दे दिया है लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष सहमत नहीं है। एक इसके पीछे का कारण ये भी है कि बार बार मुख्यमंत्री कह देते हैं 20,000 से अधिक पद भर दिए गए हैं, लेकिन इसमें देखिए भर्तियां कौन सी काउंट हो रही है, आउटसोर्स माध्यम वाली भर्ती जो अस्थाई तौर पर की गई है, वन मित्र भर्ती, पैरा वर्कर भर्ती, मल्टी टास्क वर्कर जैसी भर्तियां काउंट हो रही है, तो नियमित तौर पर कौन से पद भरे गए हैं सवाल बार बार ये उठ रहा है। और अभी तक आपको क्या लग रहा है हकीकत में आखिरकार ये कितने पद भर लिए गए हैं जो कि इसी सरकार में भरे गए हों? देखिए पिछले कल भी हमने भर्तियों को लेकर एक सवाल किया था, जो हर्षवर्धन चौहान उद्योग मंत्री हैं और प्रदेश के संसदीय मंत्री भी हैं, वो उनसे चर्चा हुई थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि भर्तियां निकल रही हैं क्योंकि जो सरकार का एक साल है उसमें तो भर्तियां हो नहीं पाई हैं उस तरीके से जिस तरह से होनी चाहिए थी, वो इसलिए कि जो कर्मचारी चयन आयोग था हमीरपुर का उसे भंग करना पड़ा, वहां पर एक नई एजेंसी जो है वो अपफ्लोट की गई है और कई ऐसे इंटरव्यूज थे जो अभी तक विजिलेंस के निशाने पर हैं, तो उस कारण से जो है वो भर्तियां नियमित रूप से वो नहीं हो सकी हैं। लेकिन अब क्योंकि विधान हमीरपुर का जो राज्य कर्मचारी आयोग है वो नए सिरे से वहां पर गठित हुआ है और नई व्यवस्था वहां पर की गई है, तो कुछ एक जो पोस्ट कोड थे उनकी भर्तियां अब निकल गई हैं। लेकिन ये कहना कि 20,000 से ज्यादा पद जो है वो पिछले 1.5 साल में भर दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से सही नहीं बैठता है, और जो अनुबंध की भर्तियां हैं और
आपके आउटसोर्स की भर्तियां हैं उनको भी उसमें काउंट कर रहे हैं। तो नियमित भर्तियों की अगर हम बात करें तो उस कदर से अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन उस पर जो है वो विपक्ष इस विधानसभा के सत्र में जो है वो माहौल को गरमा रहा है, लगातार सवाल कर रहा है। पिछले कल करुणा मूलक आधार पर जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी बात वहां पर की गई और काफी तीखे सवाल जो है वो किए गए। लेकिन एक मामला जो है वो और है, वो स्कूलों के बंद करने वाला मसला जो है वो है, उसको लेकर भी पिछले कल एक बवाल वहां पर मचाने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक प्रश्नकाल समाप्त हो गया था और प्रश्नकाल समाप्त होने की वजह से वो नहीं हो सका। इसलिए अध्यक्ष जो है वो उन्होंने व्यवस्था दी है कि नियम 61 के तहत जो है वो पूरे मसले पर चर्चा की जाए। तो जब अध्यक्ष ने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी ये चाहते हैं कि इस पर चर्चा करें, और हर एक विधायक अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता है कि उसके यहाँ पर कितने संस्थान बंद हुए हैं, कितने स्कूल बंद हुए हैं। और पिछले कल शिक्षा मंत्री ने भी ये स्कूलों की जो पढ़ाई की गुणवत्ता है हिमाचल प्रदेश में उसको लेकर एक मामला उठाया, तो वो गहरी चिंता का विषय है। तो ये भर्तियों का मसला जो है वो भी विपक्ष जो है वो उठा सकता है। आज भी इस पर जो है वो कोई सवाल जो है सदन में लगे हैं, तो उस पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है ये देखना होगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि स्कूल बंद को लेकर भी मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया था। ये भाजपा विधायक राकेश चंवाल की ओर से सवाल पूछा गया था कि आखिरकार कौन कौन से स्कूल बंद किए गए हैं। इसमें कुछ एक ऐसे भी शिक्षण संस्थान पाए गए हैं जिसमें 5 से भी ज्यादा एनरोलमेंट थी लेकिन उसके बावजूद बंद कर दिया गया। और यहाँ उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि स्वर्गीय और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का ये मानना था कि एक बच्चा भी पढ़ने वाला हो तो उसके लिए भी स्कूल ओपन रखे जाए। व्यवस्था ये होनी चाहिए थी कि एनरोलमेंट कैसे बढ़ाई जाए और कैसे शिक्षकों की कमी पूरी की जाए। फिलहाल स्कूल बंद को लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है, आने वाले दिनों में भी जताया जाएगा, क्योंकि डी नोटिफिकेशन का एक बड़ा मुद्दा बनकर रह गया है उसी वक्त से जब ये फैसला बड़ा लिया गया था मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से। अभी आने वाले दिनों में भी एक बड़ी हलचल क्या हमें इस मुद्दे पर देखने के लिए मिल सकती है? जी बिल्कुल, सदन में इस पे चर्चा होगी और सभी विधायकों को जो है इसमें मौका मिलेगा कि वो अपने अपने इलाके की बात रखेंगे और वहाँ के स्कूलों की स्थिति बताएंगे कि कितनी इनरोलमेंट थी और किस स्कूल को जो है वो बंद कर दिया गया है, आखिर क्यों स्कूल जो है वो बंद करने पड़े, इसका जवाब जो है वो सरकार की तरफ से आएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जो है ये स्पष्ट कर दिया है पहले ही कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता पर जो है वो काफी ज्यादा असर पड़ा है। आज 8वीं का बच्चा जो है वो दूसरी कक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो उस गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है सरकार प्रयास कर रही है, ना कि शिक्षण संस्थान। और बड़ी बात ये भी उन्होंने ये कही थी कि कोई भी संस्थान खोलने से जो है वो सरकारें रिपीट यहाँ पर नहीं होती है, ये एक बड़ी बात थी, एक बड़ा मुद्दा जो है वो जनता के सामने उन्होंने ये रखा है कि आज तक जो है वो जितने भी संस्थान यहाँ पर खोले गए, जैसे पिछली सरकार का उदाहरण दिया कि आखिरी साल में उन्होंने 400 संस्थान यहाँ पर खोल दिए, तो वो उसके बावजूद भी जो है वो सरकार रिपीट नहीं कर पाई। उन्होंने अनिल शर्मा का भी एक उदाहरण वहाँ पर दिया था। तो संस्थान खोलने से रिपीट नहीं होते बल्कि उसकी गुणवत्ता पर जो है वो ध्यान देना पड़ेगा, हमें अध्यापकों की जो कमी है उसको पूरा करना पड़ेगा और हर एक शिक्षण संस्थान में जो है वो पर्याप्त अध्यापक हों इसकी व्यवस्था जो है वो जरूरी करनी पड़ेगी, तभी शिक्षण संस्थान खोलने का फायदा है। तो इस मुद्दे को लेकर भी जो है वो सदन जरूर यहाँ पर गरमाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए तमाम ये मुद्दे रहने वाले हैं जिससे जुड़ी हमने आपको जानकारी दी है। बड़ी बात यह है मुख्यमंत्री सुक्खू ने कल एक अनाउंसमेंट भी की है करुणामूलक आश्रितों के लिए कि जो महिलाएं हैं खासतौर पर पात्र महिलाएं होंगी 9 महीने के भीतर उन करुणामूलक आश्रितों को नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया था कि हर मुद्दे को लेकर कमेटी का गठन क्यों हो जाता है, क्या कार्य लटकाने के लिए ये कमेटियों का गठन हो रहा है। तो इस पर ही मुख्यमंत्री की ओर से अनाउंसमेंट हुई है जिसके बाद करुणामूलक आश्रितों में खुशी की लहर भी हमें देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल जब कोई सवाल होता है और जवाब इस तरह का सरकार की ओर से दिया जाए जिसमें खासतौर पर ऐलान हो तो वर्गों को काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है। हालांकि कुछ वर्ग अभी भी काफी नाराज है। पिछले कल शारीरिक शिक्षक संगठन की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया गया है, ये बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हैं, बैरिगेट्स तक तोड़ने पर आ गए थे, अब सबर का बांध का भी टूट गया है। कर्मचारी वर्ग नाराज है क्योंकि डीए एरियर पर कोई अभी तक हलचल नहीं हुई और इस बीच कारण बताओ नोटिस यहां कर्मचारी नेताओं को जरूर जारी कर दिए गए हैं। सचिवालय में 5 एसोसिएशंस को ये नोटिस जारी हुआ है। तो अभी हाल स्थिति कुछ इस तरह की है। ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए थे। लगातार बारिश का सिलसिला आज जारी है और ये छोटी सी अपडेट मौसम से जुड़ी भी आपको दे देते हैं क्योंकि अगले 2 दिन तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसीलिए जरूरी है एहतियात बरती जाए और अभी भी बारिश का सिलसिला फिलहाल आप देख सकते हैं। धुंध के आगोश में राजधानी शिमला आ चुका है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।